हेलो, इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे दो कॉन्सेप्ट्स की। पहला है ओलैप, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, और दूसरा है ओएलटीपी, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो ओलैप क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। जो ओलैप की टर्म है वो इंट्रोड्यूस की थी ईएफ कॉर्न ने, और इसके ऊपर इन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी दी थी जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो द ओलैप टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ईएफ कॉर्न एंड इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेट इनेबल्स द एनालिस्ट मैनेजर्स टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा डिराइव फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस। मतलब कि डेटा वेयर हाउस के अंदर जो आपका डेटा है, हिस्टोरिक डेटा, टाइम इनवेरियंट डेटा, उस डेटा को एनालाइज करके कुछ इंफॉर्मेशन निकालना ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर किसी एक रीजन के अंदर कोई सेल हो रही है, किसी एक प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, तो जो मैनेजर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो एनालाइज करेंगे डेटा को और वो ये पता कर सकते हैं कि ठीक है, इस रीजन के अंदर इस महीने में या इस मौसम में इस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होती है, तो वो उस वेयर हाउस के अंदर उस प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा क्वान्टिटी में स्टोर कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। अब अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की, तो ये डे टू डे जितना भी आपका डेटा होता है ट्रांजैक्शन का, उसको स्टोर करने के काम आता है। सो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं बेसिकली इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, सो दिस इज ओएलटीपी एंड ओलैप। सो अगर हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें कि ओएलटीपी और ओलैप क्या होता है, तो आप उसको कुछ इस तरह से समझ सकते हो। यहां पे हमारे पास है बिजनेस डेटा वेयर हाउस, ठीक है। सो बिजनेस डेटा वेयर हाउस है यहां पे, एंड वी हैव अ बिजनेस प्रोसेस हेयर। तो यहाँ से डेटा आपका बिजनेस डेटा वेयर हाउस के अंदर आता है एंड डेटा यहाँ पे भी जाता है। ठीक है, सो जो बिजनेस डेटा वेयर हाउस है, जहाँ पे कि एनालिस्ट होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो डेटा को एनालाइज करते हैं, वहाँ पे हमारे पास आता है ओलैप, और जितना भी बिजनेस प्रोसेस आपका डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, वहाँ पर आती है ओएलटीपी। अब जितनी भी स्ट्रेटजीज बनती हैं वो सब बनती हैं कहाँ पे, ओलैप रीजन में, और उन स्ट्रेटजीज को हम किसके अंदर डाल देते हैं, अपने बिजनेस प्रोसेस के अंदर। सो बिजनेस स्ट्रेटजीज आर फेड इनटू बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ से जो बिजनेस प्रोसेस से जो डेटा इकट्ठा हुआ है, जो ट्रांजेक्शन्स हैं, वो सब कहाँ जाती हैं, स्टोर होती हैं डाटा वेयर हाउस में। तो वी हैव द मास्टर डेटा ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो डेटा को एनालाइज करने के काम में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होता है डाटा माइनिंग प्रोसेस है, देन एनालिटिक्स है, एंड डिसीजन मेकिंग। सो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसकी मदद से हम डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ओएलटीपी एंड ओलैप। और इसके बारे में अगर आप एक चीज़ और देखना चाहो, तो हम कह सकते हैं दैट ओएलटीपी इज़ जनरली यूज्ड फॉर ऑपरेशन पर्पसेस, वेयर एज ओलैप इज़ यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो ये इस डायग्राम की मदद से आप ओएलटीपी और ओलैप को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हो। नाउ कम्स टू द फीचर्स ऑफ ओलैप, या जिसको आप बोल सकते हो वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलैप क्या क्या होती हैं। तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि सबसे पहली है फास्ट, कि जो ओलैप है वो फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एनालिसिस करना शुरू किया और आपका डेटा को फेच करने में, उसको एनालाइज करने में ही बहुत टाइम निकल जाए। तो वी हैव टू यूज़ सर्टेन टेक्निक्स, और वी हैव टू यूज़ स्पेशलाइज्ड डेटा स्टोरेज टेक्निक्स फॉर फास्ट रिट्रीवल। सो स्पेशलाइज्ड डेटा स्टोरेज
फॉर फास्ट एक्सेसिंग ऑफ डेटा। देन द सेकेंड इज एनालिसिस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओलैप का। एनालिसिस क्या है कि आपके पास एक ऐसा इंटरेक्टिव क्यूरी मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि एक मैनेजर भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सके। तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि मैनेजर ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बिका है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सीधा आपके पास आंसर आना चाहिए। बैक एंड पे सारा एनालिसिस होना चाहिए और फ्रंट एंड पे आपके पास आंसर आना चाहिए। सो इट लेट्स द यूज़र टू एंटर क्यूरी, सो इट लेट्स यूज़र टू एंटर क्यूरी इन अ इंटरेक्टिव टूल। अगर एक मैनेजर को आप कहोगे कि एसक्यूएल की क्यूरी लिखे तो थोड़ा सा सही नहीं होगा। सो एक इंटरेक्टिव टूल होना चाहिए जिस पे वो अपनी क्यूरी को एंटर कर सके। सो फास्ट होना चाहिए, एनालिसिस के लिए एक इंटरेक्टिव टूल होना चाहिए। देन वी हैव द शेयर्ड फीचर और करेक्टरिस्टिक। शेयर्ड का मतलब होता है मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द सेम डेटा साइमल्टेनियसली। सो मल्टीपल यूजर्स आर एक्सेसिंग द सेम डेटा कंकरेंटली और साइमल्टेनियसली। देन फोर्थ पार्ट इज मल्टी डायमेंशनलिटी। ना मल्टी डायमेंशनलिटी जो पार्ट है वो डेटा वेयर हाउस का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डेटा वेयर हाउस से अगर आप कुछ भी एनालिसिस कर रहे हो तो उसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं, मेजर एट्रीब्यूट्स और डायमेंशन एट्रीब्यूट्स। तो जो ओलैप है वो भी इन दोनों एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करता है फॉर इजी डिसीजन मेकिंग। एंड द फाइनली इज द इंफॉर्मेशन। आफ्टर डाटा एनालिसिस जो आपने डाटा को एनालाइज किया है, इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जिस इन्फॉर्मेशन को आप एक बिजनेस प्रोसेस के अंदर फीड कर सको। सो इन्फॉर्मेशन को जनरली हम डिपिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ग्राफ्स, सम रूल्स। सो दीज आर द फीचर्स और यू कैन से एट्स द FASMI करेक्टरिस्टिक्स। FASMI करेक्टरिस्टिक्स। सो एफ से क्या हो गया, फास्ट हो गया। ए से एनालिसिस, देन एस से शेयर्ड, एम से मल्टी डायमेंशनलिटी एंड आई से इंफॉर्मेशन। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा बेसिक ऑफ ओलैप क्या होता है, एक डायग्राम देखा ओलैप और ओएलटीपी के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है, एंड द फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलैप। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।